Warm hello to all the runners of Mathletic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Riemann integration real analysis mein last video jo humne kiya tha usme humne dekha tha ki agar koi bhi function continuous hai to wo function jo hai R integrable bhi hoga. Aap purane video sequence mein dekhiye, description mein jaakar ke unka link aapko mil jayenge. Aaj ka jo video hai wo almost usi tarah ki theorem hai jo humne last video ki thi, usme jo humne theorem kari thi वैसे ही थ्योरम है. यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी है, अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल होगा. अब ये मोनोटोनिक होता क्या है, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दो टाइप के फंक्शंस होते हैं. अब मैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अगर मैं साइन एक्स कोई फंक्शन ले लूँ और इंटरवल मैंने ले लिया, इंटरवल बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इसका ग्राफ देखते हैं. सबसे पहले ये ओरिजिन हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, ये पाई हो गया. इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ये वैल्यू इसकी वन होती है और ये ग्राफ आपको बताओ है इसका. ऐसे पीछे लेफ्ट साइड में भी बनता है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. अगर मैं जीरो और पाई बाई टू के इंटरवल की बात करता हूँ तो जीरो और पाई बाई टू के इंटरवल में आप देखिए क्या हो रहा है. इतने पोर्शन में क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स इंक्रीज हो रहा है और x इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी लगातार इंक्रीज होते जा रही है. तो अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, उस केस में फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इसका मतलब जीरो और पाई बाई टू के इंटरवल में जो ये साइन x फंक्शन रहा होगा वो कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है. पाई बाई टू से पाई देखते हैं, पाई बाई टू से पाई में क्या हो रहा है, फंक्शन x तो अभी भी बढ़ रहा है, देखो एक्स अभी भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन फंक्शन का जो ग्राफ है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है. तो अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा. तो यहाँ पे सिर्फ मोनोटोनिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, दोनों केसेस में फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल होगा, यानी कि रीमेन इंटीग्रेबल होगा. ये हमको प्रूफ करना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के फंक्शन अगर कि अगर हम कंडीशन देखें उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f a जो है वो छोटा होगा किससे, f b से. x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. कहने का मतलब यह, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर x की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो उस केस में फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. और डिक्रीजिंग क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो अभी भी बढ़ेगी लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसको हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलते हैं. फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ. तो ये कंडीशन आपको दी है, दोनों केसेस हमको प्रूफ करने पड़ेंगे. मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला, और डिक्रीजिंग वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे. तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन मान के चल रहे हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, ये वाला केस मान के चल रहे हैं. और इस केस से हमको क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल. और कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल हमको प्रूफ करना है तो इसके पहले के वीडियो में भी हमने देखा था कि हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए. इस कंडीशन को अगर फंक्शन सेटिस्फाई कर गया, अपर सम माइनस लोअर सम एप्सिलॉन से छोटा है, बहुत छोटा एक नंबर है, उस केस में फंक्शन क्या था, आर इंटीग्रेबल. प्रीवियस वीडियोज में मैंने इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है, तो आप प्रूफ भी देख सकते हैं. तो ये हमारा टारगेट है, ये हमको दिया हुआ है. आइए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. तो प्रूफ देखिए, लेट एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि एफ ए सबसे छोटा होगा और एफ बी सबसे बड़ा होगा. ये कंडीशन है. और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का क्लोज इंटरवल. ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया. फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिया, इस तरीके से आप डिक्रीजिंग में आप यहाँ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे. क्या प्रूफ करना कि फंक्शन क्या है, आर इंटीग्रेबल है. तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, अगर इस फंक्शन की बात करें और इस फंक्शन में अगर हम फंक्शन का इन्फीमम निकालें, इन्फीमम का मतलब क्या है, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू,
तो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या रही होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए। और ऐसे अगर मैं इसकी सुप्रीमम वैल्यू निकालूं, सुप्रीमम ऑफ एफ, वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, एफ बी। और जब आप डिक्रीजिंग वाला केस करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू एफ ए हो जाएगी उस केस में और सबसे छोटी वैल्यू एफ बी हो जाएगी। तो उसको भी आप समझते रहिए साथ साथ। अब हम क्या करते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन छोटा सा नंबर हमने लिया और एक पार्टीशन हमने पी कंसिडर कर लिया, जैसे पहले वाले प्रूफ में भी लिखा था, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर से लेकर के एक्स एन इक्वल टू बी। बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की जो एक्स की छोटी वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू भी छोटी रहेगी उसमें, इंक्रीजिंग फंक्शन आपको ध्यान में रखना है इसमें बस। तो ये हमने पार्टीशन ले लिया इसका। अब अगर हम आरएच सब इंटरवल की बात करें, जो पहले वाले प्रूफ में भी हमने देखा था, आरएच सब इंटरवल क्या है, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। अगर इस इंटरवल में एम आर हमने क्या मानी थी, इन्फिमम वैल्यू मानी थी, इन्फिमम ऑफ एफ ये माना हुआ था, और कैपिटल एम आर को क्या माना था हमने, सुप्रीमम ऑफ एफ। अब जरा दिमाग लगाइए इसमें, इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी, वही जो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, यानी कि फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी एफ एक्स आर माइनस वन, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई एफ एक्स आर। ये किसकी बात हो रही है, आर एच सब इंटरवल की। तो अब आप देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एफ क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में एक्स की छोटी वैल्यू जो है उसी में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, और सबसे बड़ी वैल्यू एक्स की जो होगी उसी में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। और डिक्रीजिंग वाले केस में जब आप दूसरा पार्ट करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, बस ये ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब हम देखते हैं, ये मान लेते हैं कि जो नॉर्म है, जो हमने इससे पहले भी देखा था, इससे पहले वाले प्रूफ में भी देखा था, नॉर्म प्रीवियस वीडियोज में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहां देख सकते हैं, हमने नॉर्म जो है वो मान ली कि लेस देन, ये जो नॉर्म है, नॉर्म क्या था, इस पार्टीशन में जो इंटरवल की लेंथ है वो सबसे बड़ी जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एफ ए प्लस एफ बी माइनस वन। देखिए ये काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि हम ये नॉर्म इससे छोटे ही क्यों ले रहे हैं, वो आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा कि बी माइनस ए उसमें कैंसिल हो जा रहा था, तो आप इस केस में भी बी माइनस ए यहाँ पे ले सकते हैं, जो मैंने इसके पहले वीडियो में लिया था उस तरीके से भी करेंगे तब भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। नॉर्म लेना हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि पार्टीशन तो हमको लेना है, और किसी भी इंटरवल के पार्टीशन इनफाइनाइट पार्टीशन होते हैं, तो पार्टीशन तो आप कोई भी ले सकते हैं, और पार्टीशन आप कोई भी ले सकते हैं तो नॉर्म भी आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्म आप एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, जो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था, वैसे भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे लेकर के चल रहा हूँ, ये नॉर्म है इसकी। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, यूपीएफ माइनस एलपीएफ। यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकालेंगे तो जीरो से बड़ा तो आना ही आना है इसको। और इसको देखते हैं यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एम आर डेल एक्स आर, और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, डेल एक्स आर दोनों में कॉमन आ जाएगा, और आर की वैल्यू वन से लेकर के एन तक है, ये आपका वैल्यू होगा इसकी। कैपिटल एम आर अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, सुप्रीमम वैल्यू वो कब आ रही थी, एफ एक्स आर, और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही थी, एफ एक्स आर माइनस वन डेल एक्स आर, और आर इक्वल टू वन टू एन, ये हो गया। अब आप देखिए समेशन जो है, जो नॉर्म है, नॉर्म क्या है, जो पार्टीशन पी हमने लिया था एक्स नॉट एक्स वन से लेकर के एक्स आर माइनस वन एक्स आर और एक्स एन इक्वल टू बी, इसमें कोई भी इंटरवल सब इंटरवल आप लोगे तो उसमें जो भी सब इंटरवल की लेंथ आएगी वो लेंथ जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसी को नॉर्म बोलते हैं, और नॉर्म क्या है, इससे छोटी है, तो इसका मतलब इसमें जितने भी सब इंटरवल ये बन रहे हैं इनमें सारी लेंथ सारे डिफरेंस जो है वो इससे छोटे ही आएंगे। तो डेल एक्स आर की जगह अगर हम ये रख दें तो ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल एक्स आर की जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी एफ ए प्लस एफ बी माइनस वन, और इसकी जगह पे ये ऐसे रहेगा समीशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ एक्स आर माइनस वन।
ये आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके देखते हैं वैल्यू क्या आती है इसमें। तो यहां देखिए ये लेस देन इक्वल टू हो गया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले टर्म आएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, फिर आएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, इसी तरीके से चलता रहेगा। लास्ट टर्म क्या आएगा, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन, ये इसको एक्सपेंड करके आ गया एप्सिलॉन अपॉन एफ बी प्लस एफ ए माइनस वन, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और कौन कौन से टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सारे टर्म जो है बाद के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो दो ही टर्म इसमें बचेंगे। ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स एन ये पॉजिटिव का आएगा और माइनस एफ एक्स नॉट, और बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो गए एफ बी प्लस एफ ए माइनस वन। एफ एक्स एन की वैल्यू क्या थी, एफ बी और ये क्या था एफ ए, और एफ साइलन अपॉन एफ बी प्लस एफ ए माइनस वन। अब इस स्टेप के बाद आपको ध्यान से इसको देखना है, इस स्टेप के बाद ध्यान से समझिएगा। फिलहाल ये टर्म जो है इससे छोटा, ये इसके इक्वल आएगा। एफ बी माइनस एफ ए जो टर्म है, एफ बी फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं सिक्स है, ये फाइव है, एफ सेवन कोई छोटे से क्वांटिटी है, और इसको ऐड करेंगे तो इलेवन माइनस वन टेन हो जाएगा। देखिए सिक्स माइनस फाइव कितना होगा वन, तो यहां तो एफ बी और एफ ए का एडिशन आ रहा है और यहां डिफरेंस आ रहा है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके क्या होगा, जब ये इतना डिवाइड होगा तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, और जीरो पॉइंट समथिंग को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि जीरो पॉइंट समथिंग कोई भी नंबर आप लेते हैं उसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। जैसे 10 है, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.0, तो 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये और छोटा हो गया। देखिए तो ये जो क्वांटिटी है इसको एप्सिलॉन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एप्सिलॉन से भी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो टर्म आया है, ये जो पूरा टर्म आया है इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। ध्यान से समझिए, ये नंबर और ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, और जीरो पॉइंट समथिंग को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन से छोटा आएगा, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी किससे छोटी है एप्सिलॉन से, और ये इससे बड़ा था तो यानी कि ये वाला टर्म किससे छोटा हो गया एप्सिलॉन। और अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमको प्रूफ क्या करना, हमारा टारगेट यही था कि यूपीए माइनस एलपीए एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, और एप्सिलॉन और नॉर्म में ये रिलेशन है वो भी हमने लिया हुआ है, तो इसका मतलब जो एफ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। अगर आप यहाँ पे बी माइनस ए या एफ बी माइनस ए या बी माइनस ए किसी भी तरीके से आप लेकर के चलते हैं तो आपको ये कंडीशन मिलनी ही मिलनी है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे हैं रियल में जो आपको ध्यान से समझने होते हैं, या कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि हमको एप्सिलॉन या नॉर्म किस तरीके से किस थ्योरम में कैसे लेनी है, ताकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप नॉर्म को एप्सिलॉन के टर्म्स में किसी भी तरीके से ले सकते हैं, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही है, जिसमें हमने मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ा कि कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल होगा। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का केस मैंने आपको बताया, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का केस जैसे मैंने आपको कराया वैसे आपको डिक्रीजिंग का केस करना है। डिक्रीजिंग के केस में क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ।